शादियाँ हाँ ना होती है, पहले इधर भाग जाते हैं ना त्यौहार में, बाद में वो वगैरह करते शादी वगैरह। तो हम खुद भी अपने आज़ाद से यहाँ पर रहते हैं, अपने भाइयों के साथ, मुसलमान भाइयों के साथ एक साथ ही यहाँ पर खुश रहते हैं, बस मज़े। पाकिस्तान हमारा मुल्क है इसलिए हमें खुशी मिलता है यहाँ पर रहना, और यह हमारे हमें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इंतहाई मोहब्बत है। चिलम जोश नाम का एक फेस्टिवल कैलाश के अंदर बनाया जाता है, जहाँ पर लड़कियों की शादी होती है बहुत ही डिफरेंट तरीके से। मुझे बड़ा अचंभा हुआ जब मैंने पहली बार इसे उड़ते उड़ते सुना कि वहाँ पर लड़कियाँ एक्चुअली भाग जाती हैं शादी करने के लिए। पर अभी कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है ये तो इस वीडियो को देखने पर ही पता चलेगा। उनका एक्चुअल इंटरव्यू हमने रिसीव करा है, जिसके अंदर वो खुद अपने कल्चर को बयां कर रही है पूरी दुनिया के सामने। और ये वीडियो देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली ऑल द पाकिस्तानीज आउट देयर। उनको एक पैगाम उन्होंने दिया है, अ ह्यूज मैसेज टू फर्स्ट ऑफ ऑल टू पाकिस्तान एंड देन टू होल वर्ल्ड। वो एक ऐसी सिविलाइजेशन है विच शुड बी प्रोटेक्टेड at any cost। बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर। आज दिल में उत्सुकता बेहद है इस वीडियो को आपके साथ बैठ करके देखने के लिए, तो इंतजार हो नहीं रहा है और हमें करना भी नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हैं? नहीं, मैं तो कलाशी हूँ। इधर भाग सिर्फ भाग जाते, शादी वगैरह नहीं होती। इनका फेस्टिवल चल रहा है, देखिए आपके सिर्फ फेदर्स लगे हुए हैं सबके। शादी हुई है आपकी अभी तक या नहीं हुई? नहीं। तो लड़का पसंद आया? नहीं। आपको? नहीं। क्यों? पता नहीं। तो फिर एक साल इंतजार करेंगी? छह साल इंतजार करवाएंगे। तो यहाँ पे जो लड़के घूम रहे हैं, अगर उनमें से कोई लड़का आपको पसंद कर लेता है तो फिर आप क्या करेंगी? हम इनकार करेंगे। करते हैं ना हम तो उन्हें, वो हमें पसंद करता है, ये उन पे करती है, उन पे डिपेंड करती है। मानेंगे ना, प्रपोजल ठुकरा देंगे। आप नहीं मानेंगी? रिजेक्ट कर देंगे। ये बात सच है कि यहाँ से लड़की जिस लड़के को पसंद करती है उसके साथ भाग जाती है? हाँ ना, ये सच है, ये सच है। भाग जाते हैं। वाओ। भागने के बाद शादी कैसे होती है? भाग कर करते हैं ना, निकाह करते हैं। अच्छा, निकाह करते हैं, घर वाले निकाह करके देते हैं? जिसके साथ भागते हैं ना उधर निकाह करते हैं। ओहो, तो वो चाहे यहीं से भाग जाए तो घर वालों का इतराज नहीं होता कि ये लड़की? क्यों नहीं, गुस्सा करते हैं ना, नाराज भी हो जाते हैं। तो फिर आने क्यों देते हैं यहाँ पे? कहाँ आने देते, नहीं आने, क्या पता कौन यहाँ आता है कौन नहीं। कैलाश के साथ भाग जाए तो कोई मसला नहीं। अच्छा, कैलाश के साथ भाग जाए तो कोई मसला? हाँ। या बाकी सारे अच्छा। मुस्लिम वगैरह ये सब नहीं। आप मुस्लिम नहीं हैं? नहीं, मैं तो कैलाशी हूँ। अच्छा, आप कैलाशी हैं। इनका कहना है जी कि अगर यहाँ पे हम कैलाशी लड़के के साथ भाग जाएंगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कैलाश के बाहर का कोई लड़का होगा उसके साथ भागने में हमें घर वाले पूछते हैं। इस त्यौहार के अलावा अब भी शादियाँ होती हैं यहाँ पे? शादियाँ हाँ ना होती है, पहले इधर भाग जाते हैं ना त्यौहार में, बाद में वो वगैरह करते शादी वगैरह। तो हाय हाय, हस्बैंड के घर से लड़की इधर आती है इस तरह करते हैं, इधर भाग सिर्फ भाग जाते, इधर शादी वगैरह नहीं होती। शादी तो नवम्बर को करते हैं, मतलब शादी तो होती है ना, उधर बुलाते हैं। अच्छा, तो नवंबर तक लड़की उसके साथ रहती है? हाँ, साथ रहती है। महीने बाद या 10 दिन बाद फैमिली जो होते हैं ना, लड़की की फैमिली उधर जाके उससे पूछते हैं कि आप अपनी मर्जी से आए हो या नहीं। अगर अच्छा। उसके घर वालों से ज़रूर जाते हैं और पूछते हैं कि क्यों भाग के गई है। इस चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं समझा जाता? नहीं, पहले तो भाग जाते थे, अब अगर कोई इसको लड़का पसंद है तो एंगेजमेंट करते हैं, अब वो ख़त्म हो गई है, बहुत कम रह गई। हाँ चलो जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए जी, और लोगों से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको इस त्यौहार पे? ज़बरदस्त है, खुशी की मौका है। ये लोग सालाना ये ऑटम फेस्टिवल मनाते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, ग्रेप्स और वॉलनट उतार के ये पू फेस्टिवल मनाते हैं। हर कोई मतलब खुशी का इजहार करता है, देखो बच्चे मतलब सफेद टोपी पहने हुए हैं। ये स्पेशली इन बच्चों के इवेंट्स हैं, ये सालाना सिर्फ ये बिरीर वैली में मनाया जाता है। तो इसमें ये जो एक कॉन्सेप्ट अभी हमें दो बच्चियां बता रहे शादी की, उसमें उम्र की हद नहीं है? उम्र की हद तकरीबन 15 मतलब मैक्सिमम होता है, उसके बाद मतलब वो चाहे शादी कर सकते, एर्ली भी कर लेते हैं, 12 के एज में भी कर लेते हैं, तो इसका कोई ख़ास वो नहीं है शादी का। तो आप भी शादी भाग के की थी आपने? जी, मैं अरेंजमेंट मैरिज है मेरा।
जी एक्चुअली हम जोश फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात जारी है और ये वो जगह है जहाँ पर तमाम कैलाश बरादरी के लोग जो है ना वो यहाँ जमा हो जाते हैं और अपनी मजहबी त्यौहार अदा करते हैं। एक साल कबल हमने यहाँ पर एक बच्ची का इंटरव्यू किया था लाइबा का, हम न्यूज़ को इन्होंने खसूसी इंटरव्यू दिया था, तो बेटा हम आपको वेलकम करते हैं, यहाँ आप हमें वेलकम करते हैं। जी हाँ जरूर, मैं कहना चाहती हूँ कि पूरे पाकिस्तान को जिम जोशी फर्स्ट मुबारक हो सबको और बस खुश रहे, आबाद रहे, सुंदर है। क्या पैगाम देना चाहेंगे दिगर पाकिस्तानी बहन भाइयों को कि आप लोगों को यहाँ पर आज़ादी है नहीं है, क्या है? नहीं, हमको तो आज़ादी है यहाँ पर, अच्छा हम फ्री रह रहे अपने पसंद से ही रह रहे, जो हमारे मतलब के हम खुद भी अपने आज़ाद से यहाँ पर रहते हैं, अपने भाइयों के साथ मुसलमान भाइयों के साथ एक साथ यहाँ पर खुश रहते हैं, बस मज़े, पाकिस्तान हमारा मुल्क है इसलिए हमें खुशी मिलता है यहाँ पर रहना और यह हमारे हमें अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, इंतहाई मोहब्बत है। आखिरी पैगाम दे रहे पाकिस्तानी बहन भाइयों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान को पढ़ लिख कर पाकिस्तान का नाम रोशन करें, बस यही सबसे बड़ी बात होती है, पाकिस्तान को पैगाम देना हमारे मुल्क के लिए यही सबसे बड़ी पैगाम होती है और उससे बड़ी तो कुछ भी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया, ये थी लाइबा सिर्फ जोश फेस्टिवल के रंगारंग तकरीबात जारी है और मुख्तलिफ किस्म के लोग यहाँ पर आते हैं, वो यहाँ दिलपरेब नज़ारों के साथ साथ इस कल्चर से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रही है। जी वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल, ईच एंड एवरी गर्ल जिसका इंटरव्यू हुआ यहाँ पर, ऐसी सुंदरता की बाहर वो लेकर के आई ना, उन्हें देख करके मैं तो मंत्रमुग्ध हो गई। आई जेन्युइनली फील कि मुझे एटलीस्ट कैलाश वैली तो पहुँचना ही चाहिए और मुझे ही नहीं इंटरनेशनल टूरिज्म काफ़ी बढ़ना चाहिए उधर का। और पाकिस्तान आपको बहुत सारा प्यार, वो लोग कितने खुश हैं उधर, है ना, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी देख करके कि इंडिया में भी ऐसे लोग खुश हैं, पाकिस्तान में भी खुश हैं, हम लोग एक ही हो जाए एक दिन तो बहुत बढ़िया रहेगा, इजी हो जाएगा ट्रैवलिंग। या पाकिस्तानियों को भी इंडिया बहुत सारा एक्सप्लोर करना बाकी है, अगर ट्रैवलिंग इजी होती तो अभी तक तो हम पहुंच गए होते उधर, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में भी हम लोग पहुंच गए हैं, स्पेशली पड़ोसी मुल्क जो होता है ना, एयर टिकटिंग भी नहीं लगती। मैं नेपाल गई थी तो इट वॉज़ लाइक आप रोड क्रॉस करके चले जाओ, छोटा सा प्रोसीजर होता है, वही चीज़ अगर पाकिस्तान के लिए भी होती तो इतना मज़ा आ जाता ना, क्या बताऊँ। निधि शर्मा, हैव ऑलवेज लव्ड पाकिस्तान फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, वहाँ के छोटे छोटे दुकानदार भी है ना, वो प्यार और अमन चैन शांति का पैगाम देना चाहते हैं और इधर भी यही हाल है। देखो नफरत करने वाले, मीडिया से प्रोवोक होने वाले तो हर जगह मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप यहाँ पे आ जाएंगे तो सब लोग ही ऐसे होंगे ओ माई गॉड, चलो वो बहुत सारा प्यार बांटते हैं और ना उधर ऐसे सीन होंगे, पर मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक दिस। और हमारे मीडिया अगर करप्ट ना हो ना तो यही प्यार इंटू 10 times हो सकता है। वाइज चॉइस लेनी होगी यार कि कौन से चैनल्स देखने हैं कौन से नहीं देखने। और ड्रॉप डेड गॉर्जियस कैलाशी लड़कियों की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि भाग जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होती अगर वो लड़का कैलाशी है तो उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर मुसलमान है तो दिक्कत होती है घर वालों को। कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते हैं कि उनका जो कल्चर है ना वो प्रिजर्व्ड रहे और वो आगे बढ़ता रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। पर एक फैक्टर ये भी है कि लव हैज नो बाउंड्रीज नो लिमिटेशंस, दैट इज व्हाई वी लव ईच अदर। वो फेदर जो होता है ना एक इंसान के सर पे, इतना सुंदर सा फेदर लगा हुआ ना, कैलाश में ही देखने मिलेगा। मैं तो सर्च कर रही थी गूगल पे अगर ऐसा कुछ मिलता हो तो मैं यहाँ के लिए भी मंगा लूं, मैं राजस्थान में रहती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अपन मिलते रहेंगे ऐसे बेहतरीन वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।